क्वेश्चन नंबर 18, अ थिन सर्कुलर रिंग ऑफ मास एम एंड रेडियस आर इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस विद एन एंगुलर स्पीड ओमेगा। तो अपने को दिख रहा है ये सर्कुलर रिंग है, ठीक है, इसका मास अपने को एम दिया हुआ है, रेडियस आर दिया हुआ है, और ये जो है एक्सिस है परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, और ये ओमेगा स्पीड से ऐसे रोटेट है। ठीक, हो गई एक बात। आगे, टू पार्टिकल्स हैविंग मास एम ईच आर नाउ अटैच एट डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट, घूम रेडियस, घूमते घूमते में अपन क्या किए, अचानक से दो मास यहाँ पर अटैच हो गए, एम और एम। ठीक, अब बोला है कि जो एंगुलर स्पीड होगी इस पर वो क्या होगी। हाँ, तो मान लेते हैं कि अटैच करने के बाद जो स्पीड आ रही है वो है ओमेगा अटैच। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, क्योंकि जो भी फोर्स रहेगा जब वो चिपकते रहेंगे तो जो भी फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन जो भी होगा वो सब इंटरनल है। ठीक है, तो उस पर कोई टॉर्क नहीं आएगा, तो ले लेके एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज एम आई विच इज एम आर स्क्वायर फॉर रिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रिंग इंटू ओमेगा, फाइनली रिंग है एम आर स्क्वायर, और दोनों पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा एम आर स्क्वायर, दो पार्टिकल है तो इंटू टू हो गया, ये फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा डैश मानी ओमेगा डैश। तो बस आ गया भाई आंसर, क्या कर जाएगा ये आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर खत्म। हालांकि क्वेश्चन में स्मॉल आ गया, पर मैं कैपिटल गलती से यूज कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो ओमेगा डैश की वैल्यू आ गई एम ओमेगा डिवाइडेड बाय कैपिटल एम प्लस, ये इसका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर